आज की पार्टी चलेगी 6 इन द मॉर्निंग, बहुत मजा आ रहा है। उसको ठंड लग रही है, कॉफी आ गई है। पीछे स्टेज प्यार है, आप देख रहे हो। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। हैप्पी लोहड़ी टू एवरीबॉडी। हम जा रहे हैं, लोहड़ी का फंक्शन है इधर सास्कर रूम में। 15 साल में हम कभी नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं। नेहा का बड़ा मन होता है और हमेशा ठंड इतनी खतरनाक होती है कि मैं हमेशा आलस कर जाता हूँ, लेकिन इस बारी मैंने नेहा को बोला लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तेरा मन है, लेट्स गो। सो मम्मी पापा भी आ गए तैयार होके एंड चलते हैं लोहड़ी के फंक्शन पे। देखते हैं, पहली बार जा रहे हैं। इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो जरा। हेलो, कौन है भाई, कौन घुसा घर में? सत्या जी, तो क्या बोल रहा है? क्या बात है, क्या बात है मनु जी, आप तो पहचान में ही नहीं आए। मनु, तूने कितने सालों बाद कुर्ता पहने? मनु ने आज कुर्ता मेरे ब्याह से पाया 2009 से, 15 साल हो गए। अच्छा लग रहा है, कभी नहीं पहनता मैं, इतनी मिनते करती हूँ दिवाली पे पहन ले। चुन्नी भी संभाली नहीं जाती ना, जैकेट के अंदर क्या। सास्सीकाल जी, सास्सी, क्या बात है यार, ये लग रहा है आज कोई नेता नेताजी आए घर पे वोट मांगने। हम नहीं देने वाले आपको वोट। सास्सीकाल भाई, हैप्पी लोहड़ी। विंकार्डियम लेवियोसा, ये देख रही है अपना हैरी पॉटर होर भाई जी, क्या हाल है? बस ठीक ठाक बेटा, बस सब ठीक बढ़िया भाई। यहाँ देखो जी, आया की सोनी सोनी परांदी डाल रही है, दादी डाल रही है, कोई नहीं, रबड़ दही, काली काली रबड़। मम्मी को आती है, हमें तो आती नहीं, और मैं तो पता नहीं कितनी आज तक नहीं डाली। एक बार डाली थी मम्मी शादी के माता की चौकी पे। हाँ हाँ, बस तेरी शादी से पहले। बस मम्मी अब मेरी परांदी सेट कर रही है, ये देखो तो मम्मी कर रही है सेट अप मेरी परांदी। लोहड़ी की फील आनी चाहिए ना, पहली बार जा रहे हैं लोहड़ी फंक्शन पे, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। कि चाहे जंगल भी होए, हम 6 जने हैं ना, तो वही मंगल कर लेंगे बस। अच्छा, बाकी बात क्या करते हैं। बट आज तो संडे है, मंगल कैसे, मंगल तक वापस नहीं आना। हाँ जी, क्योंकि पिछली बार तूने 4 बजे तक बोल के तूने धोखा दिया, इस बार मंगल तक। शवल करने की वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेदर ठीक हो, बहुत ठंडा है अभी, मैं कर दूंगा पीछे शवल साथ। इलेक्ट्रिक ही ले लेना भाई, है तो सही, स्नो ब्लोवर उठा के ले आएंगे। ये देख लो जी, आइए दादी तैयार कर रही है उसको, दादी तैयार कर रही है, आइए वो। ये देखो, ये कह दिया मेरे को, ये सामने जैसे बच्चे को परचा के, बच्चे को परचा के कराते हैं ना, वैसे ही बच्चे को हैरी पॉटर इसको लगा के फिर दादी तैयार। ओके, आई एम मूविंग। गाड़ी स्टार्ट कर ले, ठंड बढ़िया भाई। सदरलैंड हॉल चलो जी, चले भाई साहब, बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंड में ना जाना कहीं पे बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा दिक्कत है यार यहाँ पे ना, ये फेस्टिवल्स मनाना इतनी ठंड में ही अपने में टास्क है, इसलिए तो मैं हार मान जाता हूँ। बट क्या करेंगे, नहीं मनाएंगे तो फिर बोर हो जाते हैं, सब कुछ कट जाता है, फिर मजा नहीं आता लाइफ। एक यार, ये फ्रिज नहीं बिक रहा भाई, सबको ले लो आके। क्यों, ध्यान ना चलो संगतों, स्लिपरी बहुत होएगा थल्ले। -30 है भाई साहब, -30 आज है, -27 गाड़ी में दिख रहा है, फील्स लाइक है -40। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ी ठंड है, लेकिन हमने आना है लोहड़ी के फंक्शन पे आज, ये जरा ठंड बहुत खतरनाक है, हैं तो सेटअप ही करा देते हैं, आज क्या करें फिर, आ जा चल भाई अंदर। हम बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी तो सेटअप हो रहा है, बहुत जल्दी बुला लिया आपने, बहुत जल्दी बुला लिया। 4 बजे मतलब 5:30 तक भी आओ, तो परफॉर्मेंस तब स्टार्ट हो। 5:30 तो मजे हो गए, तू पिज्जा खाएगा? 4:00 मैं तो सोचता हूँ 6:30 तक घर पहुँच जाएंगे। उन्हें पा लेने, आ जाओ, अपना नाम तो बताओ। चांदनी, नाइस टू मीट चांदनी एंड पंकज जी, वेलकम, हैप्पी लोहड़ी, थैंक यू, नाइस टू हियर दैट, थैंक यू। लगता नहीं अभी ज्यादा लोग आए हैं, हम ही पहुंचे हैं मेरे को लग रहा है। जैसे ही ना म्यूजिक बंद होता है, मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना ले, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, फिलहाल तो बड़े कम लोग आए हैं, ये टेबल्स रिजर्व्ड है, मेरे को लगा हमारे लिए रिजर्व्ड है।
अच्छा अच्छा नहीं मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, नया तो ऐसे कह रहे हैं, नया ऑर्गेनाइजर है। तो खाना पीना खा लो कुछ, पीछे पीछे फूड स्टॉल पीछे हैं इसके, डीजे काउंटर के पीछे ये जा रहे हैं कुछ खाना पीना लेने। अब यहाँ पे खाना पीना स्टार्ट हो गया है, अभी आइया के लिए पिज्जा आ गया, स्वाद है। तो जी हमारी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही थी एक बहुत ही गंभीर मामले पे, टाइम आने पे आपको बताएंगे। इधर खाना पीना स्टार्ट हो गए हैं, बंद ये बन छोले लेके आए थे एंड साथ में पिज्जा। बन छोले स्वाद से मैं भी टेस्ट किया था और चीज पिज्जा था। हाँ अभी लग रहे हैं स्टॉल। अच्छा तुम, मैं तुम्हें बोल रहा है जल्दी मुझे जल्दी चले गए तुम। मम्मी गुस्सा हो रही है कि भारतीय को ना करता हूँ। हेलो ले 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 लो स्वाद है मम्मी का, मेरे सूट में गिर जाने। मम्मी ने खिला दिया है, वेरी नाइस। पीछे स्टेज तैयार है, आप देख रहे हो परफॉर्मेंस होने वाली है और परफॉर्मर भी बैठ गए हैं तैयार होके। सामने देखो पापा के बिल्कुल पीछे, इसने 10,000 फोटोएं खींची हैं और एक भी अच्छी नहीं आई, एक भी। तो अच्छी कैसे आती है, अच्छी अच्छी फोटो की डेफिनेशन क्या होती है मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं परेशान आ गया हूँ फोटोओं से, ऐसा होना चाहिए कैमरे में ना सिर्फ वीडियो बननी चाहिए, फोटो बननी नहीं चाहिए। ये समोसा खाई जा रहा है यहाँ पे, तेरा आज रो नहीं है वो चीट डे है तेरा, रोज तेरा चीट डे है भाई, तेरा रोज चीट डे है। अब ये जा रहे हैं फिर से कुछ खाना पीना लेने, फूड काउंटर पीछे है, म्यूजिक बड़ा तेज चलता है बार बार जब जब। हाँ थोड़ा सा लेट चल रहा है, हम जल्दी आ गए हैं और आपको तो पता है हमें तो होता है कि जल्दी जाएंगे और जल्दी घर वापस आएंगे क्योंकि कल तो ऑफिस है, कल ऑफिस जाना है, मतलब जाना ऊपर से नहीं। है मैंने एक्चुअली ऑफिस मेरा नीचे है ना बेसमेंट में, ऊपर से नीचे आना है। नेहा ने तो वो भी नहीं जाना, नेहा ने वो भी जाना, मैं ना जी होम बेस बिजनेस है, 7th Street ईस्ट सस्कटून में रहती हूँ मैं, और हमने क्लोथिंग का भी लगा रखा है तो सारी क्लोथ्स बच्चों की भी है हमारे पास, और ये सब ज्वेलरी है जो पंजाब टच में भी है और राजस्थानी टच में भी है, तो ये नथ है बड़ी सुंदर सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल जी। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी वेदिका रघुवंशी से, तो वहाँ पे भी डला हुआ है सब कुछ। दस दो थोड़ी लोकेशन दस दो, हाँ जी, ते सबनों पता लग जाएगा सैस्कटून चे किथे हैगा ते की थोड़े कोल हुंदा है। हाँ जी साडी लोकेशन हैगी है 801 सेकंड एवेन्यू नियर डाउनटाउन। ओके साडे स्टोर ते तुहानू ब्लैंकेट हर तरह के ब्लैंकेट मिलनगे, पंजाबी जुत्तियां मिलनगियां, जेंट्स लेडीज बेबी ब्लैंकेट मिलनगे, लगेज मिलनगे, ते अपने धार्मिक किताबां मिलनगियां। हाँ जी ते बेडशीटां मिलनगियां, कुर्ते पजामे मिलनगे। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਸਕਟੂਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, कोई गेम शुरू होने वाली है, उसके लिए स्टेज पे कपल को बुला रहे थे तो मैंने बोला नेहा को कि नेहा चलते हैं, नेहा मानी नहीं। मैं क्या चलते हैं, हम चलने पड़ते हैं, हम नेहा मानी नहीं, नेहा मानी नहीं। हमें ना घर रहना चाहिए था, घर पे आराम से बातें कर लेती है दोनों। देखो इन दोनों को ना गलती होगी, इन दोनों को घर छोड़ के आना चाहिए था भाई साहब, ये यहाँ पे इतनी बातें कर रही है ऐसे लगी मैं बातें कर रहे हैं। हम जा रहे हैं कॉफी लेने, साढ़े से एक 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 दो तीन चार उसको ठंड लग रही है, कॉफी आ गई है इसी बात पे हमारे लिए गर्मा गर्म। मैं मेरे को कोई पूछ ले लोई क्यों बनाते हैं, मैं पता क्या कहूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ कहती है कि बनानी है। मैं तो बनाता नहीं, मेरी नू कहती है, मैं नहीं बनाई, अल्टीमेटली नू ही दसे, मम्मी कहती है नू।
ਭੰਗੜਾ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਭੰਗੜਾ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी ना, लगा ही नहीं कि हम मतलब सैस्केटून में बैठे हैं। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया, मज़ा वाकई मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया, पैसे वसूल हो गए, बहुत मज़ा आ गया। अब उन्होंने ना स्टेज पे बोला तू बॉयज आ जाओ, नया कहते तू और मनु चले जाओ। मैंने कहा मैं तो अंकल हूँ, मैं कहाँ चला जाऊँ, बॉय बोला उन्होंने। मैंने मम्मी कहती है कि सबसे ज़्यादा तेज ताली मैं बजाता हूँ, तो मैंने कहा मेरा तो काम ही लोगों का हौसला बढ़ाना है ना मम्मी। घर दिया ना टाना, बाहर दिया ना बताना, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे को नाने की नहीं मिल सकती। नहीं जाओ मम्मी एक्सप्लेन करो ना, कौन लोही क्यों मनाई थी। बहुत ही अच्छे फंक्शन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो अभी डीजे नाइट होने लगी है। तो पार्टी बहुत अच्छी थी, हम ना आ गए क्योंकि उन्होंने बोला डीजे पे ना, अब डीजे नाइट है, और लेकिन उन्होंने पहले डीजे पे ही बोल दिया कि पार्टी फिर चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। फिर मेरे को लगा मैं तो 6 बजे तक बैठ नहीं सकता कि अच्छा घर ही चलो। उन्होंने गाना वो मतलब ऐसे लगाया और कहा कि पार्टी चलेगी 6 इन द मॉर्निंग। फिर मैंने कहा ये नेहा हम तो 6 बजे तक नहीं बैठ सकते भाई। हाँ। बिल्कुल क्यों भी, मम्मी को बैठना था। मम्मी कह रही थी मैं तो 4 बजे तक बैठ जानी है बस। मैं क्या मम्मी रहने दो, 2 घंटे और। पिछली बार 4 बजे तक जाके सीखों, 6 बजे तक। ओ पीछे देख पापा खड़े हैं स्नो के पहाड़ के आगे। हाँ देख लो, मैं तो कहता हूँ इसी पे अपना मिट पहाड़ देख लो। पहली बार ऐसी टाइम तो बस ये लोड़ी ऐसे मनाते नहीं क्योंकि मतलब ये पीक टाइम होता है जनवरी और -30 बैजो बैजो मजबूर है। मैं तो चांदा बनाना मैं क्यों अगली जनवरी में तेनों इंडिया ले चलांगी तो उठे तू जाके तसल्ली -40 है -40 है भाई फटाफट बैजो एवे ना मुछा जम ओ तेरी जम जानी है मुछा जम जानी है बैजो बैजो मुछा गाड़ी जमनी शुरू हो गई है आ गया तो बैठ गई है गाड़ी में ऑलरेडी वापसी आ गए जी घर बड़ा एंजॉय करा बड़ा ही मजा आया। तो जी देख लो बैक टू अपनी घर की पोशाक। तो सच्ची बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। हमने एक्चुअली हम यूजुअली नहीं जाते एनी काइंड ऑफ दीज ओकेजन्स जो सिटी में होते हैं या कभी यू नो बिग पार्टीज या वी आर नॉट इनटू ऑल दैट अलॉट। सर्दी का टाइम है, वी हैव नॉट गॉन लाइक इन एजेस टू एनी काइंड ऑफ दिस फेस्टिवल। तो हमने कहा जाना चाहिए। पहली बार सैस्काटून में लोहड़ी का फेस्टिवल हो रहा था और हमारा मन था कि जाएं सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर अगली बार वो लोग कहेंगे रिस्पांस तो आता नहीं, नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। तो हमने कहा चलो जाएं, थोड़ा मस्ती कराता है बंदा, थोड़ा सा यू नो इस सैड और कोल्ड टाइम में बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा सा फन हो जाता है। गाने गुने सुन लिए, परफॉर्मेंस देख ली, हंसी ठट्टा हो गया, बहुत अच्छा लगा। वी डिडंट हैव बॉनफायर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वेदर परमिटिंग कंडीशंस, लेकिन हमने भी बहुत मज़ा करा। बहुत बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है इस त्यौहार के। पोंगल कहते हैं साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं लोहड़ी, बीहू या बोगी कुछ ऐसे बोलते हैं आई थिंक महाराष्ट्र में भी। मकर संक्रांति बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में भी, और संक्रांत और माघी पंजाब में बोलते हैं। इट डेफिनेटली गोज बाय डिफरेंट नेम्स, लेकिन त्यौहार जो भी हो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा उल्लास और बहुत ज़्यादा मीठी मीठी याद देके जाता है ये ठंड के टाइम पे लोहड़ी का त्यौहार।
तो लोहड़ी दियाँ सब नू लख लख वधाई। आई होप सब ने बहुत अच्छे से मनाई होगी एंड अपने परिवार के साथ बहुत सारी खुशियाँ बांटी होंगी। आप सारे परिवार को, हमारे यूट्यूब परिवार को हमारी तरफ से लोहड़ी दियाँ लख लख वधाइयाँ एंड परमात्मा आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा फन हो हर साल लोहड़ी, इसी तरह बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आप सबके जीवन में। हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी टू यू एंड योर फैमिली। भाइयों बहनों टेबल पे आ गए हैं, ठंड बड़ी खतरनाक थी लेकिन वी आर सो ग्लैड दैट वी कुड गो एंड सेलिब्रेट लोहड़ी फेस्टिवल। बड़ा ही मज़ा आया जाके एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, ऑल द मैनेजमेंट पीपल, ऑल द पीपल हु वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक दिस इवेंट पॉसिबल। जो डीजे वाले थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, होस्ट थे एंड पीपल हु परफॉर्म्ड एंड पीपल हु वर द फूड वेंडर्स। हमारे लिए ठंड थी, हमने सिर्फ जाना था, ओनली उनके लिए भी तो ठंड थी जिन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करना था। इट वॉज अमेजिंग जॉब, आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु शोड अप। कितने सारे लोग आए थे, एंड में डीजे नाइट भी शुरू हुई थी, हम तो निकल आए, अभी तो लोग अभी भी डांस वगैरह कर रहे हैं। हमने सोचा कि वो डांस वगैरह जो है वो हम करते करते लेट हो जाएंगे, सुबह अपना वर्किंग है। लीव द डांस फ्लोर फॉर अदर पीपल, फॉर यंगर पीपल आई वुड से। जज जी को सबसे बड़ा थैंक्स है, जो जज जी कल ऑफिस होते हुए 8:30 बज गए, रोटी भी नहीं खाई, कमेंडेबल जॉब। नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तेरे लिए गया हूँ, मेरे वो ना उधर उन्होंने पहला फंक्शन शुरू जब करा ना तो उन्होंने पूछा लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, तो मेरा मन था मैं हाथ खड़ा करके बोलूं कि क्योंकि मेरी वाइफ कहती है इसी घर के मनाई जाती है, नहीं तो मैं तो बड़े आलसी आदमी हूँ आपको पता ही है। तो अब रोटी खाते हैं, रोटी में हमारे हैं शोले चावल प्लस ये लेफ्ट ओवर है दाल, कल की दाल मेरे को बड़ी स्वाद लगती है, हमने फेंकनी तो है नहीं, मेरे को तो बहुत स्वाद लगती है दाल खाएंगे। एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और हमारी तरफ से आपको एक बार फिर लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। जाने से पहले एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बंदे ने कमेंट में बड़ा ऐसा लिख दिया तो मेरे को बात थोड़ी सी लग गई, वो बंदे ने बोला कि आप वीडियो तो बड़ी अच्छी बनाते हो, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते। तो अब मैंने कहा यार ये तो निजम नहीं बढ़ते, अब इसमें क्या करें, शायद हमारे में ही कमी है कि हम इतना ज़्यादा नहीं बोलते आपको, तो आज से मैंने कहा बोल दिया करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो अगर देखते हो तो, बाकी जो प्यार आप बहुत करते हो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट।